रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के सिंधौर तारा गांव में बने वृहद गौशाला में सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम होने के बाद भी गौशाला के कर्मचारी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। गौवंशों की चारे और भूसा से मौत ना हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ग्राम प्रधान शैलेंद्र यादव अपनी जेब भरने के चक्कर में सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। गौ सेवकों के द्वारा ग्राम प्रधान लोगों से रकम वसूलने का काम करवा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गौशाला में तैनात कर्मचारी बट्टू लाल और दिनेश सिंह के द्वारा राम नरेश निवासी मीठापुर को फोन कर बुलाया गया और उससे पैसा लेकर जानवरों को गौशाला में ना बंद कर बोए खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया गया। इसकी शिकायत सामूहिक रूप से सभी ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज गेगासो से की है। समस्या यह है कि गौशाला में जितने जानवर हैं ये गौशाला से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ये कर्मचारियों की लापरवाही है और हमारे लोगों को खेत चर जाते हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी गर्मी में हम लोगों ने मिलके गांव वाले सब मिलके गौशाला के अंदर सब जानवर जमा किए थे और अंदर किए और ये लोग दो तीन दिन बाद छोड़ दिए। तो कौन छोड़ता है जानवर? यहाँ के कर्मचारी प्रधान हैं और सेक्रेटरी है यहाँ का, इनकी सहमति से ही छूटते हैं, बाहर निकालते हैं चरने के लिए और बाहर निकल जाते हैं। कोई व्यवस्था तो है नहीं बाहर और सब बाहर गांव फिर वापस चले जाते हैं। और क्या समस्या है? और समस्या यह है कि आज कुछ सुबह सुबह जो है लोडर में कुछ जानवर आए थे, यहाँ के कर्मचारी पैसा लेकर के उनको वहीं बाहर उतरवा दिए हैं और गौशाला में नहीं बंद किए हैं। कौन से कर्मचारी पैसा लेते हैं? बच्चन लाल हैं और एक विनय सिंह हैं। अच्छा, तो अवैध रूप से धन उगाही कर रहे हैं। हाँ, अवैध रूप से धन उगाही कर रहे हैं ये लोग। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।